नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि 2 अगस्त की सुबह 11 बजे से ज्यादा दोस्तों यह समय से आपके जीवन काल में बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जी दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यश में ग्रहों का इशारा बहुत ही शुभ मिल रहा है और इनके कारण आपके जीवन काल में ये शुभ घटनाएं होने वाली है। जी दोस्तों, यश में वे घटनाएं होने वाली है जिन्हें जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। यूं कहें तो सारा परिवार यश में खुशी में शराब उड़ रहेगा। जी दोस्तों, और यश में से आपका आने वाला समय भी बहुत ही सुखमय रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यश में मंगलवार का दिन होगा और दोस्तों मंगलवार के दिन महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होगा। कई क्षेत्रों में यश में आपके रुके कार्यों में भी वृद्धि होगी। घर से जुड़े सभी प्रकार की आर्थिक तंगियां खत्म होंगी और दोस्तों सबसे विशेष बात यह है कि यश में आपको आपका कर्मों का फल मिलेगा और आपके रास्ते से सभी प्रकार के दुश्मन हटने वाले हैं। आपके जीवन काल से सभी प्रकार के जो भी दुश्मन आपको समस्याएं दे रहे थे दोस्तों, यश में उनसे आप मुक्ति पाने वाले हैं और आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाले हैं। जी दोस्तों, यश में समय और घरों की स्थिति महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में आप एक गलती करने से बचें। जी दोस्तों, अगर आप यह गलती करेंगे तो दोस्तों इन सभी मौके से आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि यश में आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधानी रहनी होगी, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में पार्विक जीवन में क्या क्या सुधार होंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा, गुरु जी का और महाबली हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके लिए भाग्य वृद्धि कर रहा है। यश में मानसिक रूप से काफी संतोषजनक रहेगा। भाग दौड़ के बजाय काम को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से परिणाम भी आपके हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए योजनाओं को बनाने के साथ साथ क्रियान्वित करने में भी ध्यान दें। ज्यादा अभिमान अथवा स्वयं को सुप्रियर समझना भी आपके लिए यश में ठीक नहीं होगा, तो दोस्तों यश में इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपके द्वारा छिपाई हुई बात को बाहर लाने की कोशिश शत्रुओं द्वारा की जा सकती है। आपके द्वारा की गई मदद को परिवार के सामने लाने की आवश्यकता होगी, जिससे दोस्तों इसके द्वारा आप मार्ग में आ रही कठिनाई को दूर करने में सक्षम रहेंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और संतुलित सोच विचार आपके अंदर बेहतरीन परिवर्तन भी लाएंगे तथा समस्याओं को उचित रूप से सुलझाने में भी आप समर्थ रहेंगे। रचनात्मक कार्य में भी रुचि बढ़ेगी। कुछ समय एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर भी व्यतीत होगा। इसको प्रांत यश में भूमि अथवा परिवार संबंधी किसी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। आपको अपने मेहनत के अनुकूल परिणाम नहीं मिलेंगे, परंतु दोस्तों भविष्य में आपकी मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। तो दोस्तों यश में आपको धैर्य का दामन थामते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों आगे आपका सफलता आपकी इंतजार कर रही है। उसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों सीमित विचारों से बाहर निकलकर दुनिया की तरफ देखने की आपको आवश्यकता होगी। दायरे में रहने की वजह से आपके अंदर नकारात्मकता तो बन रही है, लेकिन दोस्तों आप अपनी क्षमता का पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए दोस्तों यश में परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति बनी नाराजगी को दूर करने के लिए व्यक्ति का नजरिया समझने की यश में आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि दिन पारिवारिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि में शुभ फलदायी साबित होगा। यश समय आपको रचनात्मक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत होने की वजह से मानसिक शांति भी आप अनुभव करेंगे। बच्चों तथा युवा वर्ग का जो है अपनी पढ़ाई व फिर करियर की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा। इसके साथ दोस्तों यश में अपने विचारों को प्राथमिकता दें,
कभी कभी आप दूसरों की बातों में आकर अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इसमें ग्रह स्थिति आपके लिए कुछ ऐसे ही है, इसी दोस्तों स्वयं पर भरोसा रखना इसमें आपको सीखना होगा। कभी कभी वाणी में कटुता की वजह से संबंधों में दरार आ सकती है, तो इस बात पर भी गौर करें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय काम से संबंधित बातों में आपका उत्साह कम दिखने की वजह से आपको दी हुई जिम्मेदारी फिर से वापस ली जा सकती है, और साथ ही आपको परिवार और अपने काम के प्रति अधिक जागरूकता दिखाने की भी आवश्यकता होगी। आपकी मनमौजी स्वभाव के कारण यश में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि कुछ नई जानकारी और फिर समाचार प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की उम्मीद है। दोस्तों किसी रुके हुए या फिर उधार दिए हुए पेशे की वापसी भी यश में संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कभी कभी मन में किसी बात को लेकर नकारात्मक विचार भी आएंगे। दोस्तों ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें, अन्यथा किसी कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। पैसे आने से पहले जाने का रास्ता भी तैयार रहेगा, इसलिए दोस्तों यश में बजट बनाकर चलें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों बीते समय में हुए पेशे से संबंधित नुकसान को दूर करने की कोशिश आपके द्वारा इसमें की जा सकती है, जिसमें दोस्तों आपको सफलता भी मिलेगी। मिल रहे पेशों का निवेश करना आपके लिए यश में अत्यंत जरूरी होगा। यश में व्यवसाय में कुछ नए प्रस्ताव मिलेंगे जो कि बेहतरीन रहेंगे। निवेश संबंधी गतिविधियों में कार्य करने का उत्तम समय होगा, परंतु दोस्तों पार्टनर संबंधी समझौते में व्यवसाय में प्रत्येक कार्य और गतिविधि पर नजर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। जितनी मेहनत करेंगे उनके अनुसार ही आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें यश में आपके लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपकी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में कर्मचारियों तथा स्टाफ का पूर्ण सहयोग भी आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित कार्यों पर अधिक ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधी कार्य यश में उचित रूप से संपन्न हो जाएंगे। गैर कानूनी कार्यों के प्रति ध्यान केंद्रित हो सकता है, परंतु सावधान रहें, इसकी वजह से आपके मान सम्मान और आपके साख में कमी आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक कार्यों में लोन लेने जैसी स्थिति भी बनेगी, परंतु अपनी क्षमता से ज्यादा कर्ज ना लें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को यश में स्थगित रखें। किसी छोटी सी बात पर विवाद होने की आशंका भी बन रही है, श्रेय सट्टा आदि जैसे कार्यों में पैसे यश में ना लगाएं। दोस्तों पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बना रहेगा तथा कुछ समय परिवारजनों के साथ हास्य प्रयास व फिर मनोरंजन में भी व्यतीत होगा। यश में पारिवारिक माहौल सुकून बना रहेगा। सभी सदस्यों का आपसी तालमेल बेहतरीन होने की वजह से घर में भी खुशनुमा वातावरण बना रहेगा। गैस व फिर जोड़ों में दर्द की जैसी समस्या रहेगी, लापरवाही ना बरतें और सर्दी से अपना पूरा बचाव रखें। दोस्तों यश में अगर आप सावधानियों को रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको इसमें सजग रहने की ही आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जरूर यश में अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगी।